Dr. Umakant Vyas, lecturer in English, Government Women's Polytechnic College, Bikaner. And I welcome you all in the e-learning of TTC and LRDC. Viewers, आज मैं आपके साथ एक नए विषय के साथ में हूं. विषय का नाम है आर्टिकल. आर्टिकल में भी हम आज सिर्फ इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे. आर्टिकल बेसिकली एडजेक्टिव या डिटरमाइनर का पार्ट होता है. जैसा हम जानते हैं, डिटरमाइनर जो है एक शब्द है जो नाउन की स्थिति को डेफिनेट करता है. हम कह सकते हैं डिटरमाइनर इज अ वर्ड दैट डिटरमाइंस द पोजिशन of a noun. In the same way, article also determines the position of a noun. जैसा कि मैंने बताया कि हम indefinite article के बारे में चर्चा करेंगे. Article दो तरीके के होते हैं, definite article और indefinite article. Definite article में हम the को include करते हैं और indefinite article में a और an को include करते हैं. हम indefinite article पर आज चर्चा करने जा रहे हैं, तो यहां से हम शुरू करते हैं. दो तरीके के आर्टिकल है इसमें, ए और एन. पहले हम इन दोनों में अंतर को देख लेते हैं, बाकी रूल जो होंगे वो कॉमन होंगे. पहले इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है वो देखते हैं. ए और एन, ए आर्टिकल है ये कंसोनेंट साउंड से पहले प्रयोग होता है. इसके बाद में जो भी शब्द आ रहा है, नाउन आ रहा है, वो उसका साउंड क्या है उसके अनुसार इसका प्रयोग करते हैं. अगर ए के बाद जो भी शब्द है उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट है तो ए का प्रयोग होगा. अगर जो अगला शब्द है उसका जो साउंड है वो वावल साउंड है तो हम एन का प्रयोग करेंगे. जैसे दो शब्द लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल बी ए डबल एल एंड नेक्स्ट वर्ड इंक पॉट. दोनों शब्द है, इनसे पहले हमें आर्टिकल को फिलअप करना है. तो हमें ये देखना है कि ये जो अगला शब्द आ रहा है उसकी ध्वनि क्या है. अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम ए का प्रयोग करेंगे. जैसे बॉल है, इसमें हिंदी के जो व्यंजन है उसको देखते हैं तो ये ब से स्टार्ट होता है, तो हमें यहां पर अ बॉल, ए का आर्टिकल का यूज करेंगे. उसी तरह अगला जो शब्द है वो स्टार्ट हो रहा है इंक पॉट, ये स्टार्ट हो रहा है ई से जो एक हिंदी का स्वर है, तो यहां पे हम एन का प्रयोग करेंगे. आप जैसे इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि बॉल हो गया, काइट, चाइल्ड, ये जो सारे शब्द है इनकी शुरुआत हो रही है वो कंसोनेंट से हो रही है, तो हम इसमें ए का प्रयोग करते हैं. इसी तरीके से जो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एंट हो गया, इंजीनियर हो गया, आउल हो गया, है ना, ऑफिसर हो गया, ये ऐसे शब्द है जिनकी जो ध्वनि है वो शुरू हो रही है वावल से, तो इनसे पहले एन का प्रयोग करते हैं. तो ये दोनों में बेसिक अंतर हो गया है. अब इनके जो कुछ नियम हम और देखते हैं कि किस तरीके से ए और एन का प्रयोग हम करते हैं. तो इन दोनों को समझने से पहले हम पहला रूल देखते हैं जो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं. ए और एन, दीज आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. इन दोनों का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है. जैसा कि ये शब्द ही अपने अर्थ से बताते हैं कि ये दोनों एक एक वचन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके बाद में जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, ठीक है, काउंटेबल होगा. अब इसको मैं एक अलग उदाहरण से अगर बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं बुक्स, इससे पहले मुझे अगर कोई आर्टिकल भरना है तो मान के चलिए यहां पर ए और एन का प्रयोग कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो नाउन है ये प्लूरल हो गया, जबकि ए और एन सिंगुलर से पहले प्रयोग होता है. पहला रूल सिंगुलर. सेकेंड अगर हम देखें तो जैसे मैं यहां पे लिखता हूं वॉटर, तो वॉटर जो शब्द है ये अनकाउंटेबल ऑब्जेक्ट है, अनकाउंटेबल नाउन है, जबकि ए और एन काउंटेबल नाउन से पहले प्रयोग होता है. हम वॉटर्स नहीं कह सकते, ठीक है, तो वॉटर से पहले ए और एन का प्रयोग कभी नहीं हो सकता. तो हम इस पहले रूल को इस तरीके समझते हैं कि ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होगा. अब आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे अ बुक, अ पेन, अ नॉवेल, एन आर्टिस्ट, एन एंकलेट. मुझे लगता है यहां ये आपको नियम समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही बेसिक रूल है ए और एन आर्टिकल के लिए.
अब हम अगली स्लाइड में देखते हैं ए और एम. दीज आर यूज बिफोर एनी नाउन मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम. कोई भी नाउन जो पहली बार प्रयोग हुआ है उससे पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं. आप जिस तरीके से इस स्लाइड में देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है वंस देयर वॉज एन ओल्ड मैन. द ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज. द विलेज वॉज नॉट पॉपुलेटेड वन. अब इन तीन वाक्यों में ओल्ड मैन सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम जैसा मैंने कहा, तो ओल्ड मैन से पहले एन का प्रयोग हुआ. फिर जैसे ही सेकेंड सेंटेंस में हम आगे बढ़ते हैं, उसी ओल्ड मैन की बात हो रही है, तो एन का प्रयोग नहीं होकर के द का यूज किया है, जो कि एक डेफिनेट नाउन है, डेफिनेट आर्टिकल है. तो अब जब नाउन डेफिनेट हो गया तो उससे पहले डेफिनेट हमने आर्टिकल प्रयोग किया. लेकिन इसी वाक्य में विलेज जो है वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, पहली बार मेंशन हुआ है, तो उससे पहले हमने ए का यूज किया. लेकिन जैसे ही तीसरे वाक्य में बढ़ते हैं तो उसमें हमने लिखा द विलेज वॉज नॉट पॉपुलेटेड वन. तो जैसे ही विलेज दोबारा से प्रयोग हुआ तो उसमें हमने द आर्टिकल का यूज कर दिया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नाउन इफ इट इज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम वी विल यूज इनडेफिनेट आर्टिकल. एंड एज सून एज इट कम्स इन द सेकेंड सेंटेंस नाउ दिस इज अ नोन वन, दिस इज अ डेफिनेट वन, सो वी विल यूज डेफिनेट आर्टिकल इन दैट केस. दिस इज आवर नेक्स्ट रूल. अब और आगे बढ़ते हैं यूसेज ऑफ आर्टिकल ए और एन में. अब इसमें हम देखते हैं कि ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर अ नाउन टू रिप्रेजेंट द होल क्लास. ये ए और एन किसी भी नाउन से पहले प्रयोग होता है. जैसे हम लिखते हैं, अगर मैं कहता हूं कैमल, अगर मैं इससे पहले आर्टिकल ए का यूज करता हूं तो ये पूरी कैमल क्लास के लिए रिप्रेजेंट करेगा. जैसे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, एग्जांपल लिखा हुआ है एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स. यहां पे एलिफेंट किसी एक एलिफेंट की बात नहीं हो रही है, पूरी क्लास की बात हो रही है, पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है. जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है अ लायन इज अ फेरोशियस बीस्ट. लायन यहां पे किसी पर्टिकुलर लायन नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल क्लास ऑफ लायन बिकॉज दे आर फेरोशियस. तो ये रूल हुआ कि ए और एन अगर किसी नाउन से पहले आता है तो ये पूरी उसकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा. मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं अगले रूल के साथ में, जिसमें रूल है ए और एन आर यूज बिफोर एन अननोन पर्सन. ये बहुत ही बोलचाल की भाषा में हम अगर इसको देखें तो ए और एन का कैसे प्रयोग होता है, मैं आपको छोटे से एग्जांपल के साथ में बताता हूं. जैसे आपके घर में आप बैठे हो, somebody knocks at your door and you go out to the door, तो वहां पे आपसे जो भी गेट खोलते ही पर्सन मिलता है आपके फादर से मिलना चाहता है, कहता है कि फादर को बोलो कोई मिस्टर शर्मा जी आए हैं. एंड यू इमीडिएटली यू गो टू योर फादर एंड यू से मिस्टर शर्मा इज वेटिंग फॉर यू एट द डोर. इसका मतलब कोई मिस्टर शर्मा आपका इंतजार कर रहे हैं. जैसा इस सेंटेंस में लिखा हुआ है देयर इज अ मिस्टर शर्मा वेटिंग फॉर यू एट द डोर. या फिर जैसे एक और वाक्य लिखा है ही वॉज विद अ मिस्टर श्याम इन द लास्ट मीटिंग. नाउ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस पर्सन, यू डोंट नो दिस पर्सन, आप इसको नहीं जानते हो, इसलिए अननोन है, तो आप इससे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बोलचाल का रूल है. अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल के साथ में. ए और एन का प्रयोग कई बार एब्रीविएशंस में होता है. और किस तरीके से होता है हम शॉर्ट एग्जांपल में देखते हैं. जैसे स्लाइड में लिखा हुआ है एम एल ए. हम सभी जानते हैं एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है. लेकिन अगर इसको मैंने एब्रीविएशन में लिखा है और इससे पहले मुझे किसी आर्टिकल का प्रयोग करना है, तो अब होता क्या है, हमें इसके साउंड को देखना है, जैसा हमने पहले रूल में देखा था, है ना. तो ये साउंड जो है ये वाउल साउंड है, तो यहां पे एन का यूज होगा, एन एम एल ए. इसी तरीके से एन एम बी ए, ही इज एन एस पी, शी इज अ बी ए, माई ब्रदर इज अ सी ए. लेकिन अगर इन्हीं को एब्रीविएशन को फुल फॉर्म में मान लो लिख दिया जाता है, अगर मैं एम एल ए बोलता हूं, इसको मैं अगर एब्रीविएट नहीं करके पूरा बोलता हूं, ही इज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. एब्रीविएशन में एन का प्रयोग हुआ, फुल फॉर्म में
ए का प्रयोग हुआ। तो इन बातों को हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना पड़ेगा, एब्रीविएशन में हमें इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले रूल के साथ में। ए एंड एन आर यूज बिफोर अ प्रॉपर नाउन टू शो इट्स क्वालिटी। प्रॉपर नाउन से पहले रूल ये है कि प्रॉपर नाउन से पहले किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगर मैं कहता हूं राहुल, तो राहुल से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर वही राहुल किसी क्वालिटी को शो करता है, क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। ऐसी स्थिति में वहां पर हम इस आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ही बिहेव्स विद हिज फ्रेंड्स लाइक अ हिटलर। वह अपने दोस्तों के साथ में एक हिटलर की तरह व्यवहार करता है। तो यहां पे हम अ हिटलर का प्रयोग करेंगे। ये एक अच्छा यूज है, हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले रूल के साथ में। ए एंड आर यूज टू शो रेट्स ऑफ थिंग्स। हम कोई वस्तु खरीदते हैं, हमें उसका भाव पूछा जाता है कि कितने में खरीदी। जैसे ये सेंटेंस आपके सामने है, ही सेल्स मिल्क एट 30 रुपीज अ किलो। प्रति किलो, प्रति मीटर, हम जब भाव बताए हैं प्रति के भाव से, तो वहां पे अ लीटर, अ मीटर, अ लीटर, इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। जैसे सेकंड सेंटेंस है, आई बॉट दिस क्लोथ एट 100 रुपीज अ मीटर। एक मीटर 100 रुपए, ये हम दर बता रहे हैं। तो दर बताने में भी इसका प्रयोग होता है। अब हम बढ़ते हैं अगली रूल के साथ में। ए एंड एन आर यूज्ड व्हेन वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन। बहुत ही अच्छा रूल है। जब वर्ब को एक नाउन की तरह प्रयोग करते हैं, इस सेंटेंस में आप देखिए, लेट्स गो फॉर अ वॉक। वॉक वैसे एक वर्ब है, लेकिन यहां पे हम वॉक को एक नाउन की तरह प्रयोग कर रहे हैं। लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो ए वॉक यहां पे हम नाउन की तरह यूज करें, इससे पहले ए का यूज किया। इसी तरह दूसरे वाक्य में देखो, आई हैड अ टॉक विद द पीएम। आई हैड अ टॉक, नाउ टॉक इज अ वर्ब, बट हियर दिस इज यूज्ड एज अ नाउन, तो इससे पहले अ टॉक कर दिया। या मैं कहूं कि लेट्स गो फॉर अ राइड, एक राइड के लिए चलते हैं, तो उससे पहले ए का यूज हुआ। इस नियम को भी ध्यान में रखना। अब हम बढ़ते हैं अगले रूल के साथ में। अब ये रूल नहीं है, कुछ ऐसे शब्द है जो हमें ध्यान में रखने जरूरी है। और होता क्या है कि इन शब्दों की शुरुआत जो है वो किसी एक लेटर से हो रही है, लेकिन उसका साउंड कुछ और है। तो ये कौन से शब्द है? अब जैसे स्लाइड में आप देख सकते हैं, आर्टिकल ए, ये जो शब्द है इस स्लाइड में देखिए, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, यूनियन, ईयर, यूनिफॉर्म, यूटोपिया, वन रुपी नोट, वन आइड मैन। अब थोड़ी सी समझने की बात है कि ये जो शब्द है वो शुरू हो रहे हैं ए ई आई ओ यू, इनसे शुरू हो रहे हैं, लेकिन इनकी ध्वनि है वो वॉवल की नहीं है, तो इसलिए इनमें ए का प्रयोग हुआ है। वैसे ही एन, अब इसमें शब्द जैसे लिखे हैं आर, ऑनेस्ट, एयर, ऑनररी, ऑनर, ये जो शब्द है ये वॉवल से शुरू हो रहे हैं, लेकिन इनकी जो शुरुआत है, एक लेटर जो शुरू हो रहा है, वो एक कॉन्सोनेंट है। तो हमें ध्वनि पे जाना है, साउंड पे जाना है, और साउंड के हिसाब से इनका प्रयोग करना है। इन शब्दों को याद रखना, ये काफी बार पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले रूल के साथ में। ये भी कुछ ऐसी फ्रेजेस है जो हम काफी यूज करते हैं, और उनमें इन आर्टिकल्स का प्रयोग काफी होता है। इनको मैं रीड कर देता हूं। जैसे इन अ हरी, इन अ नटशेल, मेक अ नॉइस, द लॉस, टेल अ लाई, टेक अ पाथ, कीप अ सीक्रेट, एट अ स्टोन्स थ्रो, इन अ फिक्स। ऐसी बहुत सी आपको फ्रेज मिलेगी जो हमें याद रखनी पड़ेगी। इनका रूल नहीं है, ये कुछ फ्रेजेस है जिसमें फिक्स आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है, और हमें वो याद रखनी है, और हमारे बोलचाल की, हमारी भाषा में इन शब्दों को, इन फ्रेजेस को प्रयोग में लेना है, और हमें ये गलती नहीं करनी है कि हम इनका प्रयोग नहीं करें। ये कुछ नियम थे जो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं, और विषय बहुत ही ये गंभीर है, हमें बहुत ध्यान से इसको पढ़ने की जरूरत है। इन नियमों को आप ध्यान में रखोगे, मुझे लगता है कि आपको बहुत फायदा होगा। इस विषय को हम यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन आपके लिए मैं कुछ एक्सरसाइज के साथ में हूं जो आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रही है। ये जो वाक्य है,
10 सैंपल एग्जांपल्स हैं जो आपके सामने हैं, आपको उनको ध्यान से पढ़ना है और इसको एक बार पॉज कर लीजिए आप, और उसके बाद में आप सारे जो नियम पढ़े हैं, सुने हैं, समझे हैं, उसके हिसाब से इनमें क्या आर्टिकल आना चाहिए वो आप फिलअप करें। कर देने के बाद में फिर आप इस वीडियो को रिज्यूम कीजिए और देखिए कि इसके आंसर्स नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेंगे, और ये है इसके आंसर्स। और मुझे लगता है कि इन नियम को पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में, आपने 10 वाक्य पूरे अच्छे से समझे किए होंगे, और आपके लिए ये पूरी स्लाइड्स बहुत हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अगले रूल के साथ में जो डेफिनेट आर्टिकल है, इसके साथ में हम फिर आगे आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो लेकिन इनके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेरीज भेज सकते हैं, क्वेश्चंस भेज सकते हैं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। इसी के साथ में इस वीडियो को खत्म करते हैं, लेकिन एक आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे से आगे शेयर कीजिए, ताकि हर कोई स्टूडेंट, हर कोई जो एस्पिरेंट्स हैं उनको इसका फायदा मिल सके, और हमें भी इसके लिए कुछ क्वेरीज मिल सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया और आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस के साथ में मिलते रहेंगे। धन्यवाद।